नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अगर किसी कारण से आपके फेसबुक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं उस फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे डिलीट करेंगे। पूरी चीजें मैं बताऊंगा, बारीक से बारीक चीज बताऊंगा कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अभी इस कैमरा में या इस वीडियो में मैं कुछ वो रीजन मैं आपको बताऊं। इसलिए अगर आपके पास कुछ ऐसे रीजन होंगे जिनके वजह से आप चाहते हैं मैं अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के अकाउंट कैसे डिलीट करेंगे। एक रिक्वेस्ट, जो भी मेरे व्यूअर है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जो भी फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसे 100% फॉलो करें। क्योंकि देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी में किसी ने कोई ऐसा वायलेशन किया है जिससे मेरे बाकी सारे एम्प्लॉय की पे असर पड़ता है या मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस एम्प्लॉय को रखना नहीं चाहूंगा। इन द सेम वे फेसबुक के पास भी बहुत स्ट्रिक्टली पब्लिक कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिन्हें आपको 100% फॉलो करना चाहिए। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं अपने वीडियो बनाता हूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं दयानंद सोनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन एक्सपर्ट, आपको डीपली चीजें बताऊंगा जैसे हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं जानता हूं वॉइस से ही, हाउ से ही हमारा रिजल्ट आता है। आप भी जानते हैं व्हाट एंड व्हाई से रिजल्ट नहीं आता। ऑल्सो आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर। तो मैं आपका बिना समय लिए लेके चलता हूं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे। आप देख रहे हैं मैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे हूँ और हम लोग इसमें जानेंगे कि इसके इस लैपटॉप के बाद मैं आपको मोबाइल में बताऊंगा कि कैसे उसे डिलीट करेंगे। जैसे मैंने इनिशियल वीडियो में आपको बताया है, जस्ट जो स्टार्ट हुआ था, कि आपको 100% कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो फेसबुक पर फॉलो करना है। तो मैं हमेशा यही आपसे सजेस्ट करता रहूँगा कि हमेशा कम्युनिटी गाइडलाइंस आप फॉलो करते रहें। तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे आ गए मेरे प्रोफाइल पेज पे, आप देख पा रहे हैं मैं अपने प्रोफाइल पेज पे हूँ यहाँ पे। सॉरी, मुझे क्रिएट कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे एरो का निशान जो बना है, डाउन एरो का जो निशान बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ सेटिंग में आपको आना है। सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको जनरल सिक्योरिटी एंड लॉगिन जो फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ये फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर ए कॉपी फॉर फोटोज एंड वीडियोज, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपने इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आपने क्या क्या किया है एक्टिविटी वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव एंड डिलीशन आपका है, जैसे व्यू करेंगे मतलब इसे टेम्पररी डिएक्टिव कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, डिटेक्टिव अकाउंट, डिएक्टिव अकाउंट, परमानेंटली डिलीट अकाउंट, जो आपको करना है वो आप कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा फेसबुक पेज हो जिसमें आप एक्टिव नहीं है या आप चाहते हैं एक नया अच्छा सा पेज बनाना, इस ऑप्शन में ये सिस्टम आपके काम करेगा, ये जो सेटिंग है ये आपके उस चीज़ के लिए काम करेगा। तो इसी तरह आप अपना उस पेज में, अगर आप एक्टिव नहीं है ज़्यादा, आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा प्रोफेशनल जो पेज एक बना लूँ, जो मेरा पहले का पेज सही नहीं है, या आप चाहते हैं आप पुराने पेज में भी, पुराने अकाउंट में भी जाके सेटअप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं, क्योंकि एक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा एक नंबर से दो या तीन फेसबुक अकाउंट बनाना, मुझे नहीं लगता है कि फेसबुक आपको इसको अलाउ करेगा या सेम आईडी से आप दो अकाउंट बनाएंगे, ये फॉर सिक्योरिटी पर्पज सही नहीं होगा। आप एक अकाउंट में एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ही यूज करें तो ये सिक्योरिटी के लिए बेटर भी है और फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी है। तो इस वीडियो में लैपटॉप में इतना ही, अभी हम लोग मूव करते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले में। मोबाइल में जो हम लोग एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं उसमें कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप में कैसे डीएक्टिव और डिलीट करेंगे, अब इस एप्लीकेशन में, ये मैं मोबाइल के इंटरफेस पर हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ करेंगे
इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है जिससे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उससे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं अपने पेज पे हूँ, यहाँ देख पा रहे हैं मैं अपने बिजनेस पेज पे हूँ, और यहाँ पे जो राइट साइड में एरो का निशान बना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइवेसी शॉर्टकट का एक ऑप्शन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, तीन डॉट का जो निशान बना है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी शॉर्टकट में। यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में आ गए। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी शॉर्टकट ऑप्शन है, प्राइवेसी शॉर्टकट में जाएंगे, नीचे जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक करके अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ये मोबाइल का जो एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया था, इस वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है कैसे डिलीट करेंगे अपने अकाउंट को मोबाइल और लैपटॉप से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह आपके लिए यूज़फुल होगा, और आप हमेशा फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसके 100% फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। दोस्त कैसा लगा, जैसे मैंने अपना ट्यूटोरियल में आपको बताया है कि कैसे आप अकाउंट डिलीट करेंगे। आप अकाउंट डिलीट कर दें नॉट ए प्रॉब्लम, आप 100% पब्लिक कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, वो सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो है, जो पब्लिक जो गाइडलाइंस है फेसबुक के, उसे 100% हमेशा फॉलो करें। क्योंकि देखिए वो हमें फेसबुक ने अभी पिछले समय के बजाय आज के समय की हम बात करें तो हर सोशल मीडिया के प्रोटोकॉल ने अपने पूरे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे उस सोशल मीडिया के कम्युनिटी गाइडलाइंस को हमेशा प्रॉपर फॉलो करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी बातें करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग से, फेसबुक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। और मैंने बहुत बड़ा एक लिस्ट बना कर रखा है जो मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ, वो चाहे फेसबुक से होंगे, वो चाहे गूगल से होंगे या यूट्यूब से होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखें, मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और मैं भी कोशिश करता हूँ और कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आप उसे यूज़ करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जो भी मैंने अपलोड वीडियो में करता हूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।